हमारे साथ इस समय केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप सिंह हैं। सर, उत्तर प्रदेश में एक महासम्मेलन ये हो रहा है, सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर रिसर्च यूनिट्स आई हुई हैं, बहुत से फूड एक्सपोज लगे हैं, आपने कई स्टॉल्स पे देखा, इस तरीके के सम्मेलन से क्या मानते हैं उत्तर प्रदेश में कितना बूम आ सकता है? विशेष रूप से ये सम्मेलन जो हो रहा है उसमें हर हमारे विभाग से MSA अधिकारी वगैरह पहुँच रहे हैं, वहाँ सारी चीज़ें वो अपनी योजनाएं बता रहे हैं, योजनाओं से जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्हें कैसे लाभ मिल सकता है, सारी चीज़ें, कितना लोन उन्हें मिल सकता है, कैसे रजिस्ट्रेशन हो सकता है, यहाँ रजिस्ट्रेशन का एक ऑफिस खुला होगा, MSME का रजिस्ट्रेशन उद्यम रजिस्ट्रेशन हो रहा होगा और सारी चीज़ें उन्हें बता रहा होगा कि इस तरीके से आप खोलेंगे, उसमें सारे प्रोग्राम निकल के आएंगे, जो अनुसार लोन लेना चाहो कैसे लोगे, सारी चीज़ें और योजनाओं का कैसे लाभ ले सकते हैं, ये सारी चीज़ जानकारी होगी उन्हें। और रजिस्ट्रेशन भी आज हो रहा है यहीं, तो रजिस्ट्रेशन में जो लोग MSME में रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं वो आधार कार्ड और अपना पैन कार्ड और साथ में आप अपने एक बैंक का तुम्हारा एक खाता हो, वो IFC बैंक के द्वारा जो खाता हो, वो सारी चीज़ें उसमें आवश्यकता पड़ेगी, करने के बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर MSME अपना फार्म भी भरोगे, उसके जितनी भी MSME योजनाएँ होंगी उनका लाभ भी मिलेगा। सर, आपने ये एक चीज़ ज़रूर महसूस किया होगा जब से आप टहल रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि तमाम स्टॉल्स पे काफ़ी अच्छी खासी भीड़ है, लेकिन MSME के जो स्टॉल लगे हैं या फिर जो सरकारी स्टॉल लगे हैं उतना उस पे रौनक नहीं दिखाई दे रही। आपने नौयुवा के स्टॉल पे पूछा, उन्होंने कहा कि गाइडलाइंस की हमें जानकारी दी, तो इस तरीके की चीज़ें जो सामने आ रही, क्योंकि आम जनता, गरीब और जो एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे हैं उनके लिए भी क्या केंद्रीय सरकार की तरफ से ऐसी कुछ हैं कि जो मतलब लोग जान सकें सबसे पहले ये जान? बिल्कुल बिल्कुल, अवेयरनेस की के लिए प्रोग्राम किए जा रहे हैं विद्यालयों में, ये सारी चीज़ें और आने सके, और जो है मेला होता है वहाँ भी स्टॉल वगैरह लगते हैं जानकारी के लिए, सारे बताने के लिए कि ये योजनाएँ सारी चीज़ें, और मेले के अलावा भी और स्टूडेंटों को और गांव के लोगों को इकट्ठा करके के क्षेत्र में वहाँ भी प्रदर्शन किया जाता है कि MSME में ये योजनाएँ, इसका लाभ लीजिए और अपनी आय को दुगना करिए और आगे बढ़िए। सर, फूड प्रोसेसिंग में उत्तर प्रदेश बेहद पीछे है, जबकि कई फसलों में उत्तर प्रदेश काफ़ी आगे है देश में, तो ऐसे में क्या मानते हैं केंद्र सरकार की तरफ से क्या कोई योजनाएं हैं जो उत्तर प्रदेश की कई अग्रणी फसलों की फूड प्रोसेसिंग को भी अग्रणी भूमिका में ले जा सके? बिल्कुल, ये तुम्हारा जो सम्मेलन है जो अभी यहाँ चल रहा है और उसमें हज़ारों लोग आ रहे हैं, सारी चीज़ें, उसका उद्देश्य ये है कि किसान की आय दोगुनी कैसे हो, उन्हें सारी चीज़ों को बताया जा रहा है, सारी चीज़ें, और MSME के द्वारा कुछ योजनाएं हैं जो किसान ले सकते हैं, जैसे स्फूर्ति क्लस्टर है, उस योजना के अंतर्गत वो लोग लाभ ले सकते हैं, सारी चीज़ें, तो ये इसी के लिए सम्मेलन किया जा रहा है जिससे लोगों को जानकारी हो, अवेयरनेस की कमी में कोई ऐसा ना हो किसी को, जैसे ये कह रहे हैं हमें जानकारी नहीं है, तो इसीलिए लगाया गया कि ये जाके वहाँ जानकारी ले और अपने को प्रोग्रेस करें। शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप, जिनका कहना है कि इस तरीके के कार्यक्रमों से अवेयरनेस तो आएगी आएगी, साथ ही उत्तर प्रदेश के व्यापारिक क्षेत्रों में बदलाव भी आएगा। कैमरा पर्सन बाबूलाल के साथ शिवप्रताप सिंह, डेली इंसाइडर, लखनऊ। UP और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।